कोई भी एप्लीकेशन हो उसको अगर चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल के कहीं भी स्क्रीन पे वो दिखे ना और छिपा रहे, और उस सेटिंग्स को कैसे सेटिंग करना है और कैसे अपने फ़ोन में उस एप्लीकेशन को छिपाना है, ये पूरी हम आपको प्रोसेस अपने फ़ोन में आपको दिखाने वाला हूँ और आपको समझाने वाला है। तो चलिए हम आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको कैसे किया जाता है ये सब हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है हाइड एप्लीकेशन, तो HIDE हाइड ऐप, आप इसको करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हिडन ऐप में जाना है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे आया है हिडन ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन, जितने भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, इस सब एप्लीकेशन को यहाँ पे शो करेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको किस एप्लीकेशन को हाइड करना है। तो चाहे तो यहाँ से सर्च बॉक्स से उसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसको यहाँ से ढूंढ सकते हैं ऊपर नीचे कर करके। तो हम कोई भी एक एप्लीकेशन ढूंढ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि कैसे उसको हाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे सबसे पहले ऊपर है व्हाट्सअप, उसके बाद है एडोब, उसके बाद है अमेजन है, भीम ऐप है, उसके बाद BSE इंडिया है। तो इसमें हम सबसे पहले आपको कोई भी एप्लीकेशन है उसको हम हाइड करके दिखाएंगे। तो हम चलिए BSE इंडिया को हम हाइड करके दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को BSE इंडिया को हाइड करने के लिए आपको उस पर चेकबॉक्स को ऑन कर देना है, यानी इस एप्लीकेशन को ऑन कर देना है। यहाँ से ऑन कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी ढूंढ सकते हैं, BSE इंडिया का कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं BSE इंडिया का कोई भी ऐप नहीं मिल रहा है। तो इसको कैसे आपको देखना है, इसमें भी आप देख सकते हैं कहीं भी BSE का ऐप से नहीं दिखा रहा है। तो आपको दो फिंगर ऐसे करना है। अगर दो फिंगर ऐसे करेंगे तो आपका जो भी हिडन ऐप है वो ओपन हो जाएगा। तो उसको अगर फिर बैक चले जाइए, एक बार और हम आपको दिखाते हैं। जो दो फिंगर ऐसे करेंगे आपका, वो जितने भी हाइड एप्लीकेशन रहेगा सब इसमें आपको दिखेगा और ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से ओपन करके आप चला सकते हैं कोई भी ऐप को। अब फिर इसको अगर बंद करना है तो आप चाहें तो इसको फिर सेटिंग में जाइए, और उसको आराम से सेटिंग में जाने के बाद उसको आप फिर सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे हाइड ऐप क्लिक करना है, हाइड ऐप पे क्लिक करके आप जो भी ऐप को हाइड किए हैं उसको आप यहां से बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद आपको आराम से आपको डेस्कटॉप पे ये ऐप आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, इस सामने नहीं है, इसमें भी नहीं है। और उसके बाद देखिए यहां पे आपको दिखा रहा है सबसे नीचे लास्ट में मेगा के बगल में BSE आ गया है। तो आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन वहां से आप हाइड कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी किसी तरह का भी थर्ड पार्टी ऐप हो या पेमेंट से रिलेटेड हो या किसी तरह के भी ऐप हो, आप आसानी से वहां से हाइड कर सकते हैं और उसके आराम से आपको यूजलेस में ला सकते हैं। कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है, आराम से इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।